देखिए साइड से भी देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह ऊपर से हरम का, ये देख लीजिए दोस्तों। ये कितना खूबसूरत मंजर है आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। वेलकम बैक मुशर्रफ अली ख़ान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफ़र। और दोस्तों ये इंडियन हाजियों का ये मक्का के अंदर लास्ट जुमा होगा, और लास्ट जुमा इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों 10 जुलाई को सारे हाजी जो है मक्का से चले जाएंगे और कोई भी हाजी नहीं रहेगा, इसलिए ये इंडियन हाजियों का आखिरी जमा है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ। चलिएगा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आज मस्जिद हरम पर कितना रश है, कितनी भीड़ है, क्योंकि लोग जो है दोस्तों कंटिन्यू जो है लोगों की जो है फ्लैट हो रही हैं, मदीना मूवमेंट भी चल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि अलविदा तवाफ़ भी चल रहा है, उमरा भी चल रहा है। चलिए हम चलते हैं मस्जिद हरम के पास और वहाँ दिखाते हैं आपके लिए खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, और ये लास्ट जुमे का क्या हालात होगा, देखिए कहाँ पर हमें जगह मिलेगी। लास्ट जुमा जो था वो हमें मस्जिद हरम काबे के अंदर पड़ा था, वो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था जुमा के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आज हम कोशिश करते हैं कि कहाँ मिलेगी जगह और कितनी भीड़ है वो भी दिखाएँगे। चलिए सामने का व्यूज़ देखिए दोस्तों, ये देखिएगा फाइनली देखिए हम बिल्कुल मस्जिद हरम के पास ही आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए माशाल्लाह ये देख लीजिएगा। और ये देखिए जबल उमर के टावर हैं आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इधर तौसिया हरम है माशाल्लाह, ये आप ऊपर से देख लीजिएगा दोस्तों। ये है हरम के बाहर का नज़ारा, आप देख रहे हैं इंडियन हाजी खड़े हुए हैं, ये देखिए सब इंडियन हाजी वगैरह आ रहे हैं। और देखिए इस साइड से ये सफा मरवा की साइड है, तो हाजी बाहर को निकल कर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतना रश है, लोग छाई के अंदर बैठे हुए हैं। कि आज जुमा है, ख़ासतौर से आज हाजियों का कज़न करके लास्ट जुमा है, तो सब हाजी जो है जुमे की नमाज मस्जिद हरम के अंदर पढ़ना चाहेंगे। ये देखिए मेन एंट्रेंस है उमरे वालों के लिए दोस्तों, ये मलिक अब्दुल अजीज गेट के लिए, देख रहे हैं आप। और देखिए इस साइड से जो है वो इंडियन हाजी वगैरह जो है आते हैं कुदे की तरफ से, देख लिया अभी छाई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर जो है काफ़ी भीड़ वगैरह हो जाएगी। देखिए लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, देख रहे हैं आप, और देखिए हाजी यहाँ बैठ हुए हैं, हाजी बैठ कर आराम फरमा रहे हैं। अब देख लिए देखते हैं कहाँ पर जगह मिलती है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों अजान हो रही है, ये अजान हो रही है दोस्तों खुतबे की, और ये जुमे का खुतबा है दोस्तों, ये देख लीजिएगा हरम का मैंने नजारा, ये खुतबा शुरू हो गया है ना, आप देख सकते हैं फाइनली दोस्तों जुमे की नमाज पढ़ ली है, और नमाज हमारे लिए धूम में मिली आपको बता दें, ये हमारे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं, देखिएगा देख रहे हैं आप,
माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, ये आप देखिएगा। चलिए पहले पीते हैं जमजम दोस्तों, जमजम के कूलर लगे हुए हैं, पहले पीते हैं पानी दोस्तों। देखिए देख रहे हैं ये सब जबल उमर के बड़े बड़े टावर हैं दोस्तों, ये पूरी तोसिया की साइड है। चलिए भाई नमाज पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये है मेन एंट्रेंस मलिक अब्दुल अजीज गेट, जो हाजी इधर से अंदर से नमाज पढ़ के निकलना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल काबा शरीफ का दीदार यहीं से होता है, मेन गेट से। आप ये मेन गेट देख रहे हैं दोस्तों, माशाल्लाह पूरा काफ़ी रश है। साइड में देख रहे हाजी वगैरह चल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप काफ़ी रश वगैरह है यहाँ पर माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, देखिए इस साइड में भी देख लीजिएगा आप, और ये सीधा रास्ता जो आप देख रहे हैं ये इंडियन हाजियों का जाने का है। और जिस तरह से मैंने बताया इंडियन हाजियों का ये लास्ट जुमा है, क्योंकि 10 तारीख को पूरा अजीज़ जनूबिया पूरा खाली हो जाएगा। जिनकी फ़्लाइट होंगी वो जद्दे से हो जाएंगी, और जिनको मदीना जाएगा वो सुबह फजर में सारा कुछ जो है लेकर चला जाएगा। ये देखिए हाजी वगैरह जा रहे हैं आप, ये आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है माशाल्लाह। ये आप देखिए, देख रहे हैं आप, ये जद वाला गेट है, और ये सामने आप माशाल्लाह देखिए पूरा माशाल्लाह आप देख रहे हैं, पूरा वहाँ से वहाँ तक ये सारा है। और ये किलो टावर का नज़ारा है, आप देख रहे हैं ये देखिए पूरा माशाल्लाह। देखिए ये इंडियन हाजियों का मेन एंट्रेंस है, जो यहाँ से खुद ही पार्किंग के लिए जाएंगे, और यहीं से जो है उनके लिए आगे जाके अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ये रास्ता है आने जाने का दोस्तों, मेन एंट्रेंस जो है वो यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही है जाने का रास्ता है, इधर से भी और एक उधर साइड से भी देख रहे हैं आप। हाजी वगैरह ये जा रहे हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं यह है मेन एंट्रेंस जो हाजी यहाँ से जाता है। आप देख रहे हैं आप कि इंडिया का हाजी के जाने का यही मेन रास्ता है, जो खुद ही पार्किंग बस में बैठ कर जाएगा घड़ी वाले टावर से, वहाँ से अपनी गाड़ी चेंज करेगा। यही रास्ता है जो आप देख रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा आप, माशाल्लाह देख सकते हैं माशाल्लाह टावर का नंबर कितना है। देखिए इस साइड में भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप ये हाजी आ रहे हैं, सारे ये इंडियन हाजी आ रहे हैं, जो हरम से घड़ी वाले टावर के नीचे जाके खुद ही अपनी गाड़ी पकड़ेंगे, टावर के नीचे से फिर जाएंगे खुद ही, खुद ही से जाएंगे सीधे अजीज़िया जनूबिया के लिए दोस्तों। ये देखिएगा आप, ये पूरा खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, देखिए साइड में देख रहे हैं आप माशाल्लाह, कितना रश बढ़ गया माशाल्लाह। ये आप देख लीजिए दोस्तों, और धूप बहुत तेज है काफ़ी माशाल्लाह। ये देखिएगा आप, काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ किचन का, क्योंकि धूप है और मोबाइल हो रहा है गर्म, मुझे ये बता दूँगा आपके। देख लीजिए आप, रश देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा है, कह रहे हैं आप, ज़्यादा रश
टाइम भी दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा 1:10 हो गए, 1:10 हो रहा है दोस्तों। माशाल्लाह बहुत ये देख लीजिए कितना माशाल्लाह रश है, देख रहे हैं आप दोस्तों। और ये देखिए ऊपर से हरम का नज़ारा माशाल्लाह, ये देखिएगा आप। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया जो है नॉर्मली जो है ज़्यादा तो नहीं है, रश नॉर्मली है, और ये इंडियन हाजियों के लिए आखिरी जुमा है, जो आखिरी जुमा आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख को दोस्तों हाजी जो है इंडिया के लिए चले जाएंगे और 10 तारीख को जो बाकी बचेंगे वो मदीना के लिए चले जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैंने बताया है कि ख़ास तौर से हमारे भारत के जो हाजी हैं वो ये उन लोगों का ये आखिरी जुमा है मक्का मुकर्रमा के लिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और आ गए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मोहब्बत और प्यार देते रहेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अल्लाह ताला जिनका हज खैरियत से हो गया अल्लाह ताला उनका हज जो है कबूल करे, और जो इस दुनिया में नहीं रहे उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, थैंक यू।